काशी के घाट पर शाम को 7 बजे गंगा जी का आरती शुरू होता है। लाखों लोग आते हैं, वो प्रार्थना करते हैं। हम थोड़ी दूरी पे वहीं पे सारे प्रार्थना को खत्म करते हैं। हम जात के तो ब्राह्मण हैं, लोग भले हमको अछूत माने मगर शिव जी के श्राप से हम लोग चंडाल हुए हैं, तो अग्नि जो मुक्त प्राप्त होता है तो हमारा ही पास लोग आते हैं। जैसे वही ना लाश, जैसे कोई आ गया, बॉडी आ गया, आते हैं हम बात करते हैं कि हमारा लाश जलाना है, तो लकड़ी कोई जो होता है उनको लेकर लकड़ी का पैसा, तो लकड़ी का पैसा लकड़ी वालों को दिला जाता है, जो अग्नि का पैसा हमको मिलता है वो अग्नि को हमारा मिल जाता है, जो नौका जलाते हैं उनको जो जलाई मिल जाता है। ये सब करने के बाद जब ख़त्म हो जाता है बॉडी, फिर वो चले जाती है, तो उसको साफ सफाई करवाते हैं, करके उसको किनारे रख देते हैं, और उसके बाद कुत्ता उत्ता खा पी के उसको ख़त्म कर देती है। तो जो नाक का कील है या पायल या बिछिया, अगर जो भी अगर है उसमें दो ठो चार ठो जो हो मिल जाता है तो उसको हम लोग रख लेते हैं। हम लोग का काम ऐसा है कि बगैर शराब बगैर पान पियेंगे जब से नहीं तब से ये काम होगा ही नहीं, क्योंकि महक आता है ना। तो नाम हमारा जैसे कालुए डोम से हुआ है शुरू, तो उन्हीं से ज़्यादा प्रसिद्ध है हम लोग। राजा हरिश्चंद्र थे श्री राम जी के वंशक, तो विश्वामित्र इनके सपन में इनका पूरा धन दौलत संपत्ति पूरा जैसे दान में ले लेते हैं। जब काशी में आते हैं तो उस समय उनको कोई खरीदने वाला नहीं था, कालू डोम जो थे वही खरीदे। ये 250-300 साल पुराना है घर हमारा, ये हमारे दादाजी बनवाए अशेर वही बनवाए हैं। तो बोले कि ऐसा है कि जब हम राजा हरिचंद्र को खरीद सकते हैं तो सिर क्यों नहीं लगवा सकते, वो अपने आप को मतलब राजा समझते थे। मैं उनके बाद से लक्ष्मी का मतलब अवन गवन एकदम खत्म हो गया। पहले के लोग जैसे जमीन देते रहे और अन्न दान सोना वोना भी चांदी ये सब मिलता रहा, अब तो लोग नाक का कील जो होता है बहुत हल्का होता है, ये सब केवल नाम का है। जैसे एक दिन में 30-40 लाश आ जाती है, और जैसे मौसम गर्म ठंडा है तो 50-60-65 इस टाइप की आ जाती है, और 150 रुपया हमारे मजदूरें जो रहते हैं वो उनको मिलता है, 150-200 रुपया हम लोग को अग्नि का मिल जाता है। वो भी कभी कभी लोग ऐसे होते हैं कि नहीं देते हैं अभी, तो उससे हम लोग वो नहीं रखते हैं भेदभाव, तुम जानो तुम्हारा कर्म जाने, पर जो हम लोग का अगर धर्म है उसको हम लोग को करना है। मतलब हाथ से जो भी लकड़ी आता है इसी पे रखा कर खाना बनता है, इसी खाने से हम लोग सबको प्राप्त करते हैं, ये सदियों से चला आ रहा है। ये हमारा पुत्र है उमहरी नारायण चौधरी, अभी पढ़ रहा है कक्षा 4 में। हम तो चाहते नहीं है कि ये डोम राजा का वो करे, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि कोई अच्छा लेवल इनका हो, अच्छा अधिकारी हो या डॉक्टर बन जाए। जब इनके तकदीर में अगर नहीं है तो भाई डोम राजा का पद तो निभाना ही पड़ेगा इनको। हम बड़े हो जाएंगे तो घास संभालेंगे, पापा का मदद करेंगे और काम करेंगे अपना राज संभालने के।
एक तरफ से वरदान भी है, एक तरफ से श्राप भी है। जब महादेव जी वरदान दिए हैं, एक तरफ से तो पुण्य का कार्य है, क्योंकि किसी का भी मुक्त प्राप्त हो रहा, तो इससे बड़ा कार्य क्या है। काशी के दो राजा हैं, उस पार के भूति नारायण सिंह, इस पार के हम राजा हैं बनारस के दोम राजा। जिसके ब्लड में क्राइम है, वो कभी आदमी आप कितना ही उसे समझाओ, कितना ही चेंज करना चाहो, नहीं कर पाएगा। ये हमारे पहलवान हैं, ठीक है, ये बॉन्सर बनना चाहते हैं हमारी तरह। हम भी अभी इस टाइम वर्कआउट कर रहे हैं अपने अखाड़े में, अब जाके शाम को ड्यूटी चले जाएंगे।